हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू लिटल्स मास्टर। स्वागत है सभी का लिटल्स मास्टर में। और आज की हमारी क्लास है ट्रायंगल्स पर। तो चलिए जानते हैं ट्रायंगल्स होता क्या है। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग दिख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल, नाम से ही पता चल जाता है ट्रायंगल। ट्राय मतलब तीन एंगल्स वाली एक फिगर को ट्रायंगल्स कह दिया जाता है। इस ट्रायंगल्स को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। जहां पर दो लाइन मीट हो इन्हें वर्टेक्स कह दिया जाता है। वर्टेक्स तीन होते हैं, एक दो और तीन। वर्टेक्स को प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस कह दिया जाता है। साथ ही इसकी साइड्स ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए इन्हें एजेस कह दिया जाता है। एजेस या साइड्स, इनकी एजेस या साइड्स भी तीन ही होती हैं। ये तो बात रही ट्रायंगल्स। अब उसके बाद जानते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, किस किस हिसाब से ट्रायंगल के एंगल्स को चेंज कर कर हम ट्रायंगल बना सकते हैं। एक बार एंगल्स और देख लेते हैं क्या होता है। सपोज हमारे पास एक लाइन है ए और बी, किसी समय बाद बी पॉइंट यहाँ चला जाता है, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी। जो पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। इधर बी लगा देते हैं, तो बी ने कितना एंगल बनाया। यहाँ से हम डी रखकर इस पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं इसने 10 डिग्री एंगल बनाया। इसको एंगल कह दिया जाता है। ट्रायंगल में अंदर तीन एंगल होते हैं, 1 2 3। तक हमने देखा तीन लाइन से क्लोज फिगर बना दी गई, उसे ट्रायंगल कह दिया गया। अब इनके टाइप्स कितने हो सकते हैं, तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ आर ट्रायंगल। नंबर 1, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इसके नाम से ही पता चलता है इक्विल यानी इक्वल। इक्वल का मतलब एक समान, यानी एक ऐसा ट्रायंगल या एक ऐसी क्लोज फिगर जो तीन लाइन से बनी हो, इसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी। इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये तो बात रही इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इन तीनों एंगल्स को प्लस करने पर जो सम आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, आइसोसेल्स। कई बार इसे आइसोसेल्स भी कह दिया जाता है। ये इससे एक कदम नीचे है, यानी जिसकी दो साइड सेम या दो एंगल सेम हो। मान लीजिए ये 70 है, ये 70 है, तो ये 40 हो। एंगल्स के केस में भी और साइड्स के केस में भी तीनों में एक जैसा हो जाएगा, 70 प्लस 70 प्लस 40।
कितना हुआ 180। इससे हमें एक बात पता चली है, तीनों एंगल्स के सम करने पर सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री ही आता है। इसी हिसाब से यहाँ भी 180 डिग्री आया है। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 ही आता है। तो चलिए थर्ड टाइप देख लेते हैं इसका। बात करते हैं थर्ड टाइप की। तीसरा टाइप है स्केलन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड सेम ना हो उसे स्केलन कह दिया जाता है। हमेशा ट्रायंगल को नाम देना है, इससे हमें पता चल जाता है हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ ट्रायंगल एबीसी इज स्केलन, तो हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल स्केलन है। चलिए इसे नेक्स्ट देखते हैं। ये ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपर क्लासेस के लिए, लोअर क्लासेस के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो एंगल 45 के होते हैं। यहाँ बनाता हूँ ये एंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री पे। ये एंगल 45 है दोनों, ये और ये। तो इस हिसाब से सम ऑफ ऑल एंगल्स, इसका सम भी 180 आएगा। और ऊपर वाले स्केलन की बात करें तो इसका सम भी 180 ही आएगा। चलिए बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। सबसे पहले इसकी शेप कैसी होती है इसको देख लेते हैं। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी। इस ट्रायंगल को नाम देने के बाद इसकी साइड्स के जो जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। यह 90 डिग्री का एंगल है। इसके जो सामने साइड होती है इसे हाइपोटन्यूज कहा जाता है। एच से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइपोटन्यूज यानी वो टेढ़ी लाइन, इसको परपेंडिकुलर कह दिया जाता है और पी से डिनोट किया जाता है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की लाइन, और जो लाइन नीचे हो उसे बेस कह दिया जाता है। बेस का तो सभी को पता है। ये बात रही इसकी साइड्स की। अब इसका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं, ये 45 डिग्री के हो जाते हैं। इसी हिसाब से तीनों एंगल्स का सम करने पर हमें दोबारा 180 ही मिल जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल से जुड़े हर एक पोर्शन के बारे में। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ही ले लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या पोर्शन और कैसे कैसे पोर्शन आ सकते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है। क्वेश्चन में कह दिया गया कि हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 4 सेंटीमीटर है, आप परपेंडिकुलर निकालिए। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास एच पी बी इनमें से किसी दो की वैल्यू यदि होगी उसके हिसाब से हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 इक्वल में पी जो हमें निकालना है उसे एक्स मान लेते हैं। बेस क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16। अब 16 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यह नंबर इसके पास चला जाएगा।
इस साइड से अल्फाबेट्स रह जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड आने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा 25 माइनस 16 क्या बच गया 9 एक्स का क्या कहा था हमने पी का स्क्वायर अब स्क्वायर उस साइड जाएगा या फिर उसको भी स्क्वायर लिखते स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया पी क्या आ गया 3 सेंटीमीटर ये तो रहा एक एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर किसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 8 है और बेस 4 है तो उसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें